सुशील बाबू चित्तौड़गढ़ है, जीत जाते हैं राजपूत के नाम पर। मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। हाँ हाँ, मिनी चित्तौड़गढ़ है, इसीलिए जीतते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, बोलिए ना, औरंगाबाद में दूसरा कोई हुआ है संसद? राजपूते हुआ है, अनुग्रह नारायण सिंह हुए, सत्येंद्र सिंह हुए, या लूटन सिंह हुए, या सुशील सिंह हुए, सब उन्हीं लोग। जब आधार कार्ड बनाने के लिए बच्चे के 8 साल के, उसको नहीं बन रहा है, उसको नहीं करा के ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन करो तो वहाँ भी दो पैसा, तो वहाँ एक आधार कार्ड बनाने में 800 रुपये लगता है। बताइए कि कितना पैसा चार्ज हो रहा है यहाँ? अन्याय है कि नहीं है? गरीब आदमी कहाँ से लाने का 800? अमीर नहीं समझेगा। तो मोदी जी बड़ी नाराज लग रहे हैं आप। नाराज नहीं है, उनका तो सबसे फर्स्ट में उठावेंगे हम, पहला वोट मोदी जी को। हाँ, बिकाव है गोदी मीडियाओं का है, बिकाव है। गोदी मीडिया क्या होता है? मीडिया, आप जैसे मीडिया हैं, आप प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी का वोट दीजिए। आदमी है, हम लोग तो दोएंगे नहीं कि उनको वोट। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज। जनबोल न्यूज आज औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र और कौन सा गाँव बताए थे? उचौली गाँव में आया हुआ है। और हम रास्ते से गुजर रहे थे, हम देखे थे बाबा लोग को, चाचा लोग को बैठे हुए। मुझे लगा इन लोगों से बातचीत करना चाहिए और यहाँ के लोगों के क्या मूड है और किस आधार पर वोट करेंगे, चुनाव में जब वोट करने के लिए जाएं क्या सोचकर वोट करेंगे और यहाँ का माहौल क्या है, वो तमाम मुद्दे पे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो क्या नाम हुआ चाचा? मेरा तो नाम मोबीन हुआ। मोबीन, हाँ। तो क्या माहौल है यहाँ के लोगों का? यहाँ का माहौल का हम पूरा हम बता नहीं सकते हैं, सब अपने अपने आप में है। और क्या बोले, सांसद कौन है? सांसद है सुशील सिंह। वो आते हैं कभी? उनका कोई कार्यक्रम वगैरह ये सब बताइए, कैसा रहा उनका 10 साल का काल? कार्यक्रम में मतलब कोई खास नहीं है, आने के लिए आते हैं, रोड से पार होते हैं, गांव में कभी नहीं जाते हैं। 10 साल सांसद, 15 साल रहे हैं यहाँ, एक बार जदयू से और 2 बार बीजेपी से। तो क्या 15 साल में देखकर जनता क्यों चुनती है, कैसे, थोड़ा कुछ बताइए। अब जनता पर है, जनता क्या बोलता है। देखिए, जनता अगर खुश होगा तो उनको वोट देगा ही, बात तो है, लेकिन कुछ कार्यक्रम अपने तरीका जो आपको दिख रहा है कि बढ़िया काम वगैरह। हाँ, कुछ मोटा मोटी हुआ है। अच्छा, मोटा मोटी काम हुआ है। जनता के बीच में बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए आते हैं कभी? बहुत कम आते हैं, रोड से आते हैं। और दूसरा कौन प्रत्याशी है लालटेन छाप से? आपको हैं, अब है कुमार कुशवाहा। उनका क्या माहौल लग रहा है? उनका माहौल ठीक लग रहा है, आम जनता से उनका माहौल ठीक लग रहा है। इस बार सुशील सिंह को विदा करने वाले हैं लोग? हाँ, वैसा अगर काम करते तो जरूर उनको वोट देता, लेकिन कोई खास काम नहीं किया है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरा नाम नसीर हुआ। तो क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो ठीक है। तब बताइए, बड़ा मंझान बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी मंझान बैठे हुए हैं। तकलीफ का भाई बा, नहर क्षेत्र के बारे में बोल रहे थे, तो नहर क्षेत्र तो आज तक हम लोग के यहाँ आया नहीं। कोयल नहर कुछ ऐसा नाम था? हाँ हाँ, कोयल नहर। बना? कुछ नहीं बना। रेलवे स्टेशन बना? कुछ भी नहीं बना। औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन नहीं है? रेलवे रफीगंज में है, आस है, रफीगंज में तो आस है रेलवे स्टेशन। औरंगाबाद में है? औरंगाबाद में अनुग्रह नारायण रोड है। औरंगाबाद में नया स्टेशन, स्टेशन नहीं है, अनुग्रह नारायण रोड है, वहाँ से औरंगाबाद जाती है, ट्रेन जाती है जी। नहीं नहीं, औरंगाबाद की कोई ट्रेन नहीं है, औरंगाबाद की कोई ट्रेन नहीं है, समझ गया ना। उसका तो आंदोलन चल रहा था, क्या हुआ? लाइन जैसे लाइन बना हुआ नहीं ना है, वो तो पहले से है, वो कब से बना हुआ है, अंग्रेज के समय से है कि कब से है वो लाइन। और इसी स्टेशन अनुग्रह नारायण है, फेसर है, जाखिम है, रफीगंज है, यहाँ से उतर के आप जाइए औरंगाबाद, कोई चाहे डेहरी से उतर के आइए और रफीगंज। डायरेक्ट ट्रेन औरंगाबाद का नहीं? नहीं नहीं, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। और सुशील बाबू के बोल रहे हैं कि कैसा रहा, तो बहुत बढ़िया रहा है। यहाँ से आप जाइए, 1 किलोमीटर हिंदू मुसलमान के गाँव है, 1 किलोमीटर लंबा,
अब जाके देखिए किसी के घर पानी पीने के लिए मांगे आपको, इस क्षेत्र में पानी नहीं मिलेगा जी, और क्या कहना है, है? पानी नहीं मिलेगा जो पानी पीने के लिए चाहिए। एक को चापाकल नहीं है, 66 में वो चापाकल था, 40 के लेयर था, तो सब खत्म हो गया। 40-60 वाला लेयर कहाँ चल गया पता है? पानी का बड़ा दिक्कत यहाँ पर, बहुत बहुत दिक्कत है, आपको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ जी, अब जाइए ना यहीं से, जाइए इस गली में देवी स्थान तक चले जाइए, मस्जिद होके कहीं नहीं पानी मिलेगा, गली में कहीं नहीं मिलेगा। सुशील बाबू चित्तौड़गढ़ है, जीत जाते हैं राजपूत के नाम पर, मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। हाँ हाँ, मिनी चित्तौड़गढ़ है, इसीलिए जीतते हैं। 19 सब एकजुट होकर वोट कर देते। हाँ हाँ, जब से देश आज़ाद हुआ है, बोलिए ना औरंगाबाद में दूसरा कोई हुआ है संसद, राजपूते हुआ है, अनुग्रह नारायण सिंह हुए, सत्येंद्र सिंह हुए, या लूटन सिंह हुए, या सुशील सिंह हुए, सब उन्हीं लोग हुए, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ दोनों पार्टी के वोट है, जितना राजपूत के वोट है सुशील सिंह का, इधर जाति के वोट है कुशवाहा जी का है। इस रोड में, इस गली में आपका हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं? दोनों रहते हैं। कैसा भाईचारा है? भाईचारा बहुत बढ़िया है, भाईचारा कुछ खराब नहीं है। ज्यादा लोग है, इसके बाद जाइएगा पासवान है, मुसलमान है, फिर जाइएगा तो ज्यादा लोग है, पासवान है, भाईचारा बना हुआ है। हाँ, भाईचारा बना हुआ है, किसी तरह से कोई विवाद नहीं है। घरेलू झमेला किससे होता है, भाई भाई में होता है, लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं है। पानी का समस्या यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि बहुत दिनों से है। बहुत दिन से है, आप तो बोल रहे हैं, आप जाके देखिए ना, आप एक बार जाइए, पैदल जाइए और जाके देखिए। हम देखेंगे, हम जाएंगे, जाके देखिए, खुद समझ में आएगा। तो हम उनको क्या बोले, क्या हमको दिए या न दिए, बोलने से कोई फायदा नहीं है। वो लोग कभी देखने नहीं आए कि यहाँ के लोगों को पानी की दिक्कत है और भी चीज़ें? हम लोग से उनको कोई फायदे ना है तो देखने का आएंगे। अच्छा, आप लोग वोट नहीं देते हैं उनको? हाँ, देते भी हैं तो विश्वास नहीं है, देते भी हैं तो विश्वास नहीं है, अगर तब भी भरोसा नहीं, नहीं देंगे तब तो पर भी नहीं है, इससे अच्छा देना ही नहीं। हाँ, कोई भरोसा, अगर भरोसा रहता तो वो चापाकल भी नहीं देते 15 साल के दरमियान में, किधर भी जनता है पानी पीता है। गली में रोड में केवल बैकवर्ड समाज के लोग रहते हैं? हाँ, बैकवर्ड रहते हैं, बैकवर्ड केवल, कोई जनरल कैटेगरी नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, आपको तो बोल दिया, जादो है, पासवान है, चमार है, मुसलमान है, और फिर जादो है, पासवान है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, किसी तरह से किसी को विवाद नहीं है। मोदी जी बोले सबको राशन कार्ड दे दिए, अनाज दे दिए, ये सब घर दे दिए पक्का का, ये सब क्या मिला? बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। राशन कार्ड उसी को मोदी जी दिए जिसके बेटा के सर्विस है, जिसका 10 बीघा जमीन है उसको राशन कार्ड दिए। चलिए ना अभी दिखाते हैं, जिसका एक धूर जमीन नहीं है उसको राशन कार्ड नहीं है, हैं तो क्या दे दिए? जिसको सोर्स पर भी है उसको कॉलोनी दिए, किसको गरीब आदमी के दिए? हमारे घर तो पीने के लिए पानी मिलवे नहीं करता है। 1966 में के था चापाकल, 66 के अकाल में बैठा था दरवाज़ा पर, वही चापाकल अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म हो गया, पानी नहीं है, ख़त्म हो गया। यहाँ खेती बाड़ी कैसे होता है? किसान लोग, बरसाती नहर है, मदार नदी के बरसाती नहर है, उसे हुआ तो हुआ, नहीं तो गया। खेती भी नहीं होगा? खेती भी नहीं होगा, बरसात नहीं करेगा खेती नहीं होगा, समझ गया ना? और कुछ नहीं है, बरसात ही किया, हरा भर गया, पैदा हुआ, और नहीं तो गया। तो इस टोला में पूरा जो वोटर है वो मतलब आरजेडी की ओर? हाँ, आरजेडी की ओर जाएगा, अपना मत है, 2-4-10 को जा भी सकता है, ये तो नहीं कह सकते हैं। जब उन्हीं को भरोसा है कि हमको इस तरफ से वोट नहीं मिलता है तो हमको क्या कहना है? क्या कहेंगे आप? हम और क्या कहेंगे, और कुछ नहीं, उनसे पूछिए। अरे युवा है, कुछ बोली का डर का है? बताओ, डर की बात नहीं है, डर की बात क्या है? ऐसे ऐसे कर रहे हो पूरा, बोलिए काहे डर रहे हो? काला डरेंगे, नहीं डर रहे हैं, बोलिए, बातचीत करना चाहिए है ना, हम आए हैं आपके लोग को समस्या को दिखाने के लिए। अच्छा, तो क्या तकलीफ है इधर का युवाओं का, क्या मुद्दा है, किस आधार पर जाकर वोट करेगा?
वोट हमने तो देंगे ललटन साहब के, आलजेडी के रिपोर्टर पूरा है, आलजेडी का वोट मिलेगा इधर से। वो तो कहा जाता है लालू जी के बारे में कि भ्रष्टाचार, ढेर सारा जंगल राज। जंगल राज कहाँ हो गया, हो गया तो हो गया। आजाद हुआ तब से फर्स्ट मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज में लालू जी हुए, तो कहा नहीं बोलेगा जनरल में कि हाँ जंगल राज कर दिया है, ये तो बोलने के उसको अति मिल गया है। इसके पहले लालू जी के पहले तो बताइए ना कि कोई मुख्यमंत्री है, रामलखन यादव नहीं थे नेता, हुए रामलखन सिंह यादव थे ना बैकवर्ड के नेता, जगजीवन राम थे ना ऐसा ऐसा नेता हुए आज तक मुख्यमंत्री, कहाँ से उड़न जस्ता में लालू यादव आया जो सबको एक समान कर दिया। कर्पूरी ठाकुर तो हुए हुए थे, लेकिन वही 13 दिन के तो उनको एक बार मिला था, 13 दिन मिला था, 13 दिन के बाद गद्दी से उतार दिया गया था, फिर कैसे पासा पलटा तो फिर हुए थे, फिर 1.5 साल रहे थे। बताइए ना आप बताइए कि हाँ जनरल में लालू यादव हैं, खुदड़ा वाला के भरोसा है। जंगल राज काहे कहता है कि लालू जी आएगा तो जंगल राज हो जाएगा। हाँ तो जबरदस्ती कहेगा नहीं, बैकवर्ड के राज हो जाएगा तो जंगल राज नहीं कहेगा। हाँ आपको कोई डरेगा नहीं ना आपसे, ऐसे तो डर है ना, वहाँ से भी परवी हो जाता है। हाँ तो क्या करेगा आदमी, इंसान मर रहा है, किधर जाएगा, उधर जाएगा तो खान में, इधर जाएगा तो क्या बोलेगा। हाँ क्या आप लोग देखे थे लालू जी का सरकार? हाँ जी हाँ। कैसा था जंगल राज था? जंगल राज क्या कहेगा, जंगल राज बना दिया गया था और क्या, जंगल राज कोई जंगल राज नहीं था, लेकिन नाम रख दिया गया जंगल राज, बिहार को नाम रख दिया गया जंगल राज, वैसा कोई जंगल राज हम लोग भी यहाँ पहले से हैं, सुख शांति से हैं, कोई नहीं था। 5 बजे पहले को निकल नहीं पाता था, वो सब गलत है, वो सब बात ऐसा कुछ बात नहीं था, तो एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। यहाँ तो बैकवर्ड जाति के ज़्यादा जनसंख्या, मुसलमान के जनसंख्या है, तो कहाँ अरेस्ट एक को हुआ, कोई बतावे क्या उग्रवादी में उचौली के दू को गया है अरेस्ट होके, तो हम कैसे माने कि जंगल राज था, जब कोई हमारा कि यहाँ के गेबे ने किया है, कोई नहीं पकड़ाया है, हम उससे दूर रहेंगे तो किसे धरा के जाएंगे, उसे कोई लगावे नहीं है। यहाँ क्या तारीख को वोट है? 19 तारीख को है। तब इस बार क्या करिएगा आप लोग? वही करेंगे, ऐसे भी हम तो बोल दिए ना पहले कि अगर हम वोट देते हैं भाई तो किसी को विश्वास नहीं है। तो यादव जी हैं क्या? हाँ जी यादव जी हैं, इसीलिए मतलब लालू जी को वोट करिएगा। वो तो अगर हम देते हैं तो ये विश्वास नहीं ना है। आप ही यादव जी हैं? जी नहीं, तब हम तो मोहम्मदन हो गए। अच्छा देखिए माई है ना, माई बैठे हुए माई, एम और वाई। अरे तो आपको तो बोले एम वाई हम बैठे हुए थे, और बाप अब तेजस्वी जी के नाम तो सुनवे किए हुई है, वो कह रहा माई तो था ही, अब बाप की भी पार्टी बन गई। नहीं नहीं तो आप दे को तो बोले कि आप चलिए ना, 1 किलोमीटर लंबा गांव है, कई जगह पानी पीने के लिए आपको व्यवस्था मिलता है, चलिए ना। अभी आपको प्यास लग जाएगा तो दूसरे के सहारा लेने पड़ेगा कि भैया पानी है, तो नहीं भाई पानी नहीं है तो आप दूसरे दरवाजा पर जाइए, तीसरे पर जाइए। और उन लोगों से जानते हैं, आइए जी आइए। का चाचा क्या हाल है, पूरा ठंडा हवा खा रहे हैं? का कह रहे हैं लाइन नहीं है, पंखा वंखा नहीं लगाए घर में? लाइन देते हैं, देता ही गलत लगता है, चलता है, चलता है पंखा? हाँ थोड़ा हवा दे रहा है, थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा तब क्या काम धाम चल रहा है अभी, काम नहीं है कुछ? क्या करें यार, आरा मशीन पर तो काम करते हैं, लकड़ी छोलते हैं। अच्छा लकड़ी वाला काम करते हैं जी। बड़ी है आप? नहीं हम तो है जात के चमार हैं। चमार हैं जी। दलित है कि महादलित है? दलित है। दलित है तब इस बार चमार जाति के लोग किधर वोट करेगा? किधर वोट करेगा? हम किधर का है सब लोग देने जाएगा तो दे देंगे हम। दे दीजिएगा जी। तो इसी टोला में आपका घर है जी? इधर बोल रहा सब आरजेडी को वोट देता है, इधर तो बोल रहा सब आरजेडी को वोट देता है। तो चाचा बोल रहे थे, बोले तो लालटेन को वोट देगा इधर। देखिए आप किधर दे रहे हैं? ये होगा मत तब ना, 19 तारीख को है मत होगा तो
मत है तो होगा होगा। क्या बाबा क्या हाल है? बड़ा गौर से आप देख रहे थे, हमको लगा आपसे बात करते हैं जरा। ये सब हम नहीं करते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं ना ना, ये सब देखने से क्या होगा हमारा, वो जैसे काम करने से हो, हमने सीधा हमने पढ़ना लिखी सब जो जने सब जिसे देंगे तन ही। अच्छा जने जिसे सर पानी बाहर अच्छी बाहर छछन रहे हैं, पानी इसमें कहाँ ही नहर है क्या है? ये तो हरा दिया है जो नली तली के है। कौन दिया इसको, ये कौन दिया है? अब खेनिए जान सका कि कौन दिया है हम नहीं। कब से है ये बना हुआ? ये उल्टा वाल उल्टा वाल तो ऐसे उल्टा ली है ना, ये वाला जो बना है नहर आपने कब से बना हुआ है? ये नहर के पानी आवा है ऊपर से चली मन। हाँ पर क्या चाचा क्या हाल है? बड़ा पगड़ी उड़ी बांध के तुम घूम रहे हैं। घूमने के कारण है क्या कारण? कि आज तक तो मोदी बाबू कहें कि हम बांध खुलवा देंगे, तमाम पैसा बांट देंगे, गरीब को मिलता है 400 रुपया, वृद्धा पेंशन हम लोग को 400 रुपया मिलता है। बढ़िया तो है, 400 रुपया में क्या होता है? 400 रुपये में खैनी मिल जाएगा तो खैनी न भरने चल रहा है, कौन चल रहा है? हम लोग पेट चल रहा है उसे। 5 किलो गला मिलता है, 5 किलो गला मिल रहा है फ्री में। हाँ तो लगता है नहीं। और हम क्या कहें, हम लोग पानी पीना खाली मार रहे हैं और क्या, हम लोग तोरे खेत बाड़ी है भर बटैया करेंगे बाबू, तो आपके आधा चाहबे करी। कोयल नहर बना आपका? वही वाला तो पानी के लिए वो कहें थे कि हम देंगे। कौन बोले थे? मोदी बाबू बोल रहे थे कि बांध लगवा रहे हैं, बांध खुलवावेंगे, आज तक खुले हुआ है तो नहीं बना अभी तक, आज तक आए नहीं रहा है। सांसद आपके जो है सुशील कुमार सिंह जी। अच्छा आते हैं? सुशील बाबू तो कभी कभी चिन्ह में नहीं किए हम लोग की कैसा है और कैसा नहीं है। वो बड़े बड़े बाबू लोग के अगर परिवार किसी तरह के लग गया तो पैरवी कार ले जाइए वहाँ, तब होगा। गरीब को कोई समझता है? अमीर नहीं समझेगा। तो मोदी जी बड़ी नाराज लग रहे हैं आप? नाराज नहीं है, उनका तो सबसे फर्स्ट में उठावेंगे हम पहला वोट मोदी जी को। हाँ तो बोलते मोदी जी दे ये नहीं रहे हैं 400 दे या नहीं दें, वोटवा मोदी जी को देना है। हाँ लालू जी को? लालू जी का भी देने वाला देवे करेगा, ऐसा तो बात नहीं है कि हम अभी को हमको भेटवे है तो लालू जी के दें कि मोदी जी के दें। हाँ ये बात भी है। हाँ ना ना बात तो जिसका हम खाएंगे उसी के ना देंगे। अभी 5 किलो अन्न दे रहा है तो खा रहे हैं तो उसी के ना देंगे हम गुण, और अब गुण कुछ हमको कोई दे नहीं रहा है तो उसका कैसे देंगे, कैसे देंगे उसी मोदी जी के देंगे। अच्छा बोला नहीं घबराना है, नहीं घबराना है नहीं। अगर कहें तो सुशील बाबू आपको नहर नहीं बना दिए, कहाँ नहर बना दिए? आप ही ना बोल रहे हैं कि नहर नहीं बनाए तो भोटवा फिर दीजिएगा तो बनाएंगे, 15 साल से वही सांसद तो भोटवा बनावे तयो नहीं बनावे तयो, भोटवा देना है उन्हीं को, देना है ना मोदी जी के देना है कि मोदी जी देना है। सांसद तो आपका सुशील कुमार सिंह बनेगा ना? तो अब कोई भी बने तो आखिर फोटो वही नहीं लेंगे। बोलिए काम धाम चल रहा है? जी चल तो रहा है। क्या काम चल रहा है? गेहूं के कटने हो रहा है, क्या होगा। तो बढ़िया उपज हुआ है इस बार? खूब बढ़िया है। हाँ हाँ जी नहर और पानी आ रहा है खूब खूब, न देख रहा है हरा भरल है। बात नहीं बोलो, नहीं बोलो क्या हमरा किया बरसात, तब बेजाय कह रहे कि नहर से पानी आ रहा है। वो जो देख रहे हैं वो सच्चा बात को, ये जो कोयल नहर है वो बना अभी तक कि नहीं? नहीं बना है। नहीं बना है तो किस आधार पर आप लोग वोट करते हैं? कौन आधार पर, ऐसे हम वोट दे देते हैं आधार और फधार कुछ अति करना है। अच्छा तो किधर वोट दीजिएगा इस बार? कने देंगे लल्लू जी, देने देंगे और कने देंगे। क्या जी क्या करते हो? बोला बोला क्या करते हो? क्या करेंगे, खेती करेंगे और क्या करेंगे। कितना उम्र हो रहा है तुम्हारा? हमको आया थी 20 उम्र हो रहा है। 20 हो रहा है। हम्म। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई अभी नहीं कर रहा है। काहे?
अभी खेती में लगल है तो अभी पढ़ाई छोड़े हैं। क्या खेती में लगे हुए हैं? कटनी काट रहे हैं, गेहूँ लगल है, गेहूँ काट रहे हैं। पढ़ने का मन करता है? पढ़ने का मन तो करता है। फिर काहे छोड़ दिए पढ़ाई? अभी वे मजबूर में थे, पढ़ाई छोड़ दिए है, कटनी अभी काट रहे हैं। कटनी काट रहे हैं? हम्म। पारिवारिक समस्या है? हम्म। क्या नाम हुआ तुम्हारा? नीतीश कुमार। नीतीश क्या करते हो? कुछ नहीं सर, पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? इंटर में। इंटर में कहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हो? अभी तो बिहार में कर रहे सर, अभी यहीं कर रहे हैं। यहीं से पढ़ते हो? जी सर। अच्छा, तो क्या पढ़ाई में क्या समस्या आ रहा है? पढ़ाई में कुछ नहीं समझ आ रहा, जैसे ठीक है। स्कूल क्लास ट्यूशन वगैरह सब मिल रहा है? यस। घर का काम वगैरह भी करते हो, संभालते हो परिवार का? यस सर, संभालते ना है। संभालते हो? क्या जी, स्कूल नहीं गया तुम लोग? हाँ नहीं, आज काम था। क्या काम था? बोलो बोलो, आप कुछ डरो मत, डरो नहीं, बोलो। क्या काम? केतारी पेड़ने गए थे। केतारी पेड़ने गए थे? अच्छा, केतारी पेड़ने गया था। किस क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। सिक्स में? तो काम हम करते हो? हाँ। क्यों काम क्यों करते हो? घर में बोलते नहीं हो काम नहीं करेंगे, पढ़ना है? पढ़ते नहीं हैं, आज भर नहीं किए। आज कुछ मेरे चाची डेट पर गए थे और मैं ये सब आ रातने में लेट हो गया, फिर क्या करें तो काम बच गए तो अति के तारे पर नहीं चल गए थे। अच्छा अच्छा। ये गांव का नाम क्या है? उचावली। उचावली? उचावली हाँ। कहा है आप बड़ी नाराज थे, पूरा एकदम भाग रहे थे, क्या तकलीफ है आपको बताइए तो? दिक्कत एक चीज़ है कि यहाँ लोग को भी खाली वोट 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 देने के बाद में कोई काम विकास नहीं होते हमारे। और हर चीज़ तो यह बात हो कि कोई चीज़ अगर प्रखंड में जाइए तो बिना घुसखोरी को कोई काम नहीं होता है। हाँ, हर चीज़ पर कोई साइन करा होता तो घुस 10, 500, 100, 200। अब ये सरकार दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं कोटा, अब 5 किलो देते तो उसमें 4.5 किलो दे रहे हैं, तो घुसखोरी तो इसी से लेकर चलना हमको क्या है? जब सलाह सब आप नहीं करना है इसलिए चिड़े रहते हैं। और लोग क्या विकास करेंगे यहाँ? कोई विकास करने वाला नहीं है, सब खाली घुसखोर है आदमी। बहुत नाराज आप हैं एकदम? बिल्कुल नाराज रहेंगे। सुशील कुमार सिंह आए नहीं? वो तो और ख़त्म आदमी है, सबसे ख़त्म आदमी है। हम लोग तो दोएंगे नहीं कि उनको वोट। 15 साल से सांसद दिए तभी नहीं, 5 रुपये का भी विकास नहीं किए हैं। बताए खड़ा होकर आगे हमारे गांव में आई ना, हम खड़ा हैं, जेल में डलवा दीजिएगा। और कुछ वो कुछ नहीं किए हैं। सुशील से सुशील सिंह बहुत बड़ा नाम सुने हैं लेकिन कुछ काम किए हैं आता है? क्या किए हैं? ज़्यादा बात किए ना, खाली वोट के दिन घूर लेते कि हमारा वोट दीजिएगा, इसके बाद में कोई पर्चे है उनको करना है? कुछ नहीं है मतलब उनको। वो सिर्फ दिल्ली से पानी मंगा कर पीत रहे। हाँ, तो कोई काम है और कोई काम नहीं। कोयल नहर तो बनवा दिए। कहाँ बनवा दिए? ये मर रहे धान बिना कहाँ दे हैं? कहाँ है हमारे नहर दिखाइए? रेलवे स्टेशन बना? कहाँ बना है? कुछ नहीं बना है, ये सब झूठ है। प्लेटफार्म खाली बन गया है। हाँ, सब बिका हुआ, सब बिका हुआ है। कहाँ कोई काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। अनाज मिल रहा है? अनाज भी मिल रहा है, 4.5 किलो मिल रहा है। बच्चे का क्या है? आज हमारे स्कूल में 6 महीने से परेशान है नाम लिखाने के लिए। कहा करता कि सीट खाली हुआ तब नाम लिखागा। बहन चो दादा दे रहा है सीट खाली होगा इसका स्कूल में क्या होता है? देखिए पूछिए मेरा लड़का मंटू दास से। अभी बात हम किए हैं, बात किए हैं ना, 6 महीने से परेशान है हमें। एगो आधार कार्ड बनाने के लिए बच्चे का 8 साल का, उसको नहीं बन रहा है, उसको नहीं करा कि ऑनलाइन करो तो ऑनलाइन करो तो वहाँ बिल दो पैसा, तो एगो आधार कार्ड बनाने में 800 रुपये लगता है। बताइए कि कितना पैसा चार्ज हो रहा है यहाँ? अन्याय है कि नहीं है? गरीब आदमी कहाँ से लाने का 800? मनरेगा में काम मिल रहा है? वो भी नहीं मिलता, पूछता है नहीं कि तुम्हारा आदमी कहाँ है। कार्ड जाओ कार्ड इस सब हड़प गया, पैसा आता है ऊपर से खा लेता है वो लोग। उस पहले ही का वार्ड था ना, वो दाब कर रख दिया है और खाया खूब पैसा, कोई कोई काम नहीं दे रहा है। पक्का मकान मिला थी? नहीं मिला है, मिला है और लोग को मिला है लेकिन हम लोग को नहीं मिला है। नहीं मिला है, नहीं मिला है।
मिल रहा था, चेक करिए घर वाले थोड़ी मिल जाएंगे। क्या नाम होगा? पप्पू दास। बड़ी नाराज एकदम, पूरा गुस्सा में, गुस्सा में तो रहेंगे भैया, इसलिए बहुत दिक्कत है। एक यहाँ डॉक्टर की भी कोई सुविधा नहीं है, अगर 8 बजे रात के डॉक्टर खोजा जाए, अगर कोई मरे लगा तो यहाँ है कोई अस्पताल है सरकारी, हर पंचायत में कोई ना कोई डिस्पेंसरी रहता है, यहाँ वो भी नहीं है। कितना दूर जाना पड़ता है अस्पताल यहाँ से? यहाँ से जाना पड़ता है 9 किलोमीटर। 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर। बाकी संसाधन तो है जाने के लिए? गाड़ी, हाँ रोड बनी गया है तो साधन तो है। लेकिन नाराजगी है सुशील कुमार सिंह से। हाँ, आइए और लोगों से हम जानते हैं आखिर उनके क्या विचार है। आप तो कह रहे थे जी गोदी मीडिया क्या क्या बोल रहे थे। बिकाव है गोदी मीडिया का है, बिकाव है। गोदी मीडिया क्या होता है? मीडिया, आप जैसे मीडिया हैं, आप प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी का वोट दीजिए, यही मीडिया होता है आपका? प्रचार कर रहे हैं तो आपके क्या रहेगा? का पूछ रहे हैं बताइए, का पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि 15 साल से आपका जो सांसद है, 5 साल जदयू से रहे हैं सुशील कुमार सिंह सांसद, 10 साल बीजेपी से रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ? कुछ नहीं किया है, वो कुछ नहीं किया है। अब भी उसको हटाएंगे, अब हराएंगे भी, ठीक ना? हटाइएगा भी और हराएंगे भी। तो बताइए गोदी मीडिया के बारे में क्या आप कह रहे हैं? सबके खरीद के रख ले है वो पूरा, ईवीएम घोटाला तो ये घोटाला सब तो बेचिए रहा है वो, क्या कर रहा है? हैं, कुछ नहीं कर रहा है हमने के वो। सुशील कुमार सिंह को हराइएगा, जिताइएगा किसको? अब भाई कुशवाहा, लालटेन छाप, लालटेन छाप, लालटेन छाप। यादव उदव है क्या जी? नहीं जी, नहीं, हम शगुनी दास हैं। अच्छा, हाँ यादव नहीं है, लेकिन जिताना है उसी को भाई कुशवाहा के। शकुनी दास तो आपका नाम बढ़िया है, है? हाँ, ये तो सम्राट चौधरी के पिताजी का भी नाम था। हाँ है? हाँ, हाँ। पिताजी उनका हम थोड़ी ही नहीं, हम बता रहे हैं कि नाम उनके फादर का भी है शकुनी। हाँ हाँ, शकुनी चौधरी। आपका नाम शकुनी दास है? हाँ। उन्हीं से इंस्पायर होकर तो नाम नहीं रखे आप? ना, ना हमारे यहाँ एक पीस है, ये है नाम ही है, खाली हमारे शगुनी दास। हाँ, तो 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती, हाँ बताइए जरा अम्बेडकर जी के बारे में कुछ। बहुत बढ़िया है, उनका लिखा हुआ संविधान अटन अटन चल रहा है, जला रहा है मोदिया। हाँ मोदिया, मोदिया जला रहा है। हाँ, हम लोग का राशन खत्म कर रहा है तेरी। नहीं, गाली गाली होवे करेगा, अगर यहाँ आ जाएगा तो मार देंगे ठाउर जान रपेट के, ये सब काम नहीं करता। हाँ देखिए, जब भी आप किसी लोकतंत्र में, यही तो ताकत है, कोई ताकत बाबा साहब जो दिए हैं आपको ताकत, वोट का ताकत। वोट वोट तो मारवे करेंगे, वोट मारेंगे ही, वोट पे मारिए चोट, वोट पे चोट करिए। हाँ। मार पीट हिंसात्मक झड़प वगैरह सब नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेसी में सब चीज का जो है गुंजाइश। हाँ। नहीं है। देख रहे थे जनबोल न्यूज, और यहाँ के लोगों में जो एक गुस्सा है, ये दलित समाज से आते हैं, और एक बेसिक जो इशूज है यहाँ का, नहर का था, पानी का था, सिंचाई को लेकर था, और यहाँ के लोगों को जो घुसखोरी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा इन लोगों के बीच रहा है, यहाँ के विद्यालयों का भी एक इशू रहा है। ऐसे तमाम मुद्दे पे आपके क्या विचार हैं? हम निकले थे चुनावी यात्रा में, और इस यात्रा में बैठे हुए लोगों को हमने देखा, लगा मुझे बात करना चाहिए, हमने बात करने की कोशिश की, और इनके क्या मुद्दे थे, क्या हकीकत थी, हमने दिखाने की भी प्रयास की। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लगातार सवाल ये पूछ रहे हैं। 15 साल सांसद रहे सुशील कुमार सिंह, उन्होंने इस गाँव को देखने तक नहीं आए, इन लोग आरोप लगा रहे हैं। बाकी आपके क्या विचार है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।